आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया, इतना डर लग रहा है कि हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। दोबारा से पूछते हैं कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। कट्टी बाय बाय, सो वेलकम टू गोवा। गोवा में जो वेदर वेदर है ना, अभी तो खैर गर्मी है, यहाँ पे 30 डिग्री है और दिल्ली में है 45 डिग्री। और यहाँ आ गई है हमारी मिनी बस और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे इस गोवा के ट्रिप के लिए। फाइनली अंदर आ गए हैं और यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी कूल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन वेदर की बात है ना तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इतने पीछे डिस्कशन चल रहा था यहाँ पे, अच्छा गिटार, पापा कह रहे हैं यहाँ पे गिटार लगे हुए हैं, विराज के गिटार, गिटार विराज के नाम इन्होंने ना अंदर आई गेस शॉपिंग के लिए भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। अगर आप कपड़े वगैरह नहीं लेके आए हैं ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो हेयर इज माई वेलकम ड्रिंक एज यूजुअल, यू नो कि मैं अगर अपने पहले के ब्लॉग देखते तो मुझे वेलकम ड्रिंक का बहुत शौक है। और फटाफट से आपको करा देते हैं हमारा रूम टूर। और जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन बना हुआ था और ये रूम हमारा सिर्फ आज के लिए था क्योंकि कल हमारा रूम चेंज होने वाला था। हम लोग आ गए हैं नीचे, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और काफी अच्छा और रिलैक्सिंग लग रहा है यहाँ पर। हेलो नायरा, ये नायरा, ये नायरा की मम्मी आरती। हेलो, स्विमिंग पूल में नहा के मम्मी आप जा रहे हेलो कर दे। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पूल के किनारे बैठते हैं और बाकी जो लोग हैं वो सब पूल में मस्ती कर रहे हैं, बट अभी हमारा मन नहीं है पूल में जाने का। हमारा मन है पूल में जाएंगे हम, मतलब जरूर जाएंगे पूल में, तो हम लेकिन जाएंगे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग पूल में।
विराज, नायना। तो यहाँ ना एक्चुअली इन लोगों ने ना वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया है और मुझे भी बोले कि आ जाओ, लेकिन मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, मैं जाऊँगी थोड़ी देर तक जाऊँगी। यहाँ पे मुझे नायरा ने बुलाया है और मेरे ऊपर पानी गिरा रही है नायरा। ये अच्छा ठीक है, वरदान नायरा कह रही है मुझे यहाँ पे खड़े होना है। बादल आ गए ऊपर, ये वाओ यार, आसमान में काले काले बादल छाए हैं। यहाँ तो बहुत ही बढ़िया माहौल हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी दिन हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मॉर्निंग वॉक पे। तो ये घर कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल जगह हो, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, है ना? ये घर है या वो है कोई, मतलब होटल जैसा ही घर ही लग रहा है यहाँ पे, देखो जरा। तो हमारा जो होटल है वो है वहाँ पर, होटल हार्ड रॉक सामने लिखा है। और यहाँ सारा जंगल ही जंगल है आसपास। और यहाँ पे एक अंकल आ रहे स्कूटी पे। तो लोकल गोवा आप एक्सप्लोर करोगे हमारे साथ, हम दोनों बहनों के साथ। कनिका को नहीं लिया, कनिका मुझे कह रही है ए डोंट डू इट प्लीज, चलो बस हम चलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। अभी हमें एक कुत्ता नजर आ गया, लेकिन मैंने कनिका को थोड़ा सा आगे कर दिया था, जाते हुए भी मैं ऐसे करूँगी। और अभी हम आ गए हैं इन गलियों से बाहर। और कनिया तुझे अगर कोई कटिंग शेप करवानी हो करवा सकती है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से कटिंग शेप करवा सकती है। वैसे मेरे को लगता है पापा ने शायद यहीं से करवाई है कल रात को, तो कटिंग शेप मेरे ख्याल से शायद पापा ने यहीं से करवाई है। अगर आपको भी करवानी है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बीच पे जाएंगे क्या हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग बीच पे जाएंगे और लोकल गोवा भी आपको दिखाएंगे। एक सेकेंड, तो कुत्तों से इतना डर लग रहा है कि हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। और हमने गौरव को भी फोन कर दिया कि तू हम लोग वहाँ जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, तू हमें लेने आ रही हो, क्योंकि उसने स्कूटी यहाँ पे बॉरो कर ली थी। तो हमने उसको भी उठा दिया कि तू हमें लेने आ रही हो, हम पैदल जा रहे हैं। बस उड़ रही है। तो हमने सीधा जाना है यहाँ से। हाँ, यहाँ से पूछ रहे किसी से भैया, बीच सीधा, बीच के लिए सीधा, बीच के लिए सीधा। नीचे गोबर है, ध्यान देने का। यहाँ पे भी ना होना चाहिए, मतलब हाँ ई रिक्शा वगैरह तो होना चाहिए। और बस बातें करते करते हम लोग कब पहुँच गए थे बीच हमें भी नहीं पता चला। और ये वाली जो मॉर्निंग वॉक है ना, ये हमें हमेशा याद रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ये मॉर्निंग वॉक।
काफी अच्छी नदी आ रही है। ऊटी पे हमारा वेट करते हुए, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया ताकि ये कुछ बोले नहीं। ये कहाँ जा रहा है और खुद पता नहीं कहाँ जा रहा है, खुद अरे घूमने जा रहा है कहीं, खुद घूमने जा रहा है कहीं, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है घूमने के लिए, और हमें यही उतार दिया। खैर होटल तो सामने आ गया बोरा, लेकिन एटलीस्ट अच्छा हुआ इसको बुला लिया हमने, नहीं तो हम थक गए थे। फिर लंबा तो नहीं था, 1 किलोमीटर तो था, 1 किलोमीटर के ऊपर था, 1.25 किलोमीटर था। अच्छा तो 2.5 किलोमीटर था, चलो आप डेढ़, अरे ठीक ठीक लगा लो ना कितना, चलो दो डेढ़ डेढ़ किलोमीटर ठीक है, डेढ़ किलोमीटर, दो ढाई, दो ढाई में भी आ गई तू, 2 किलोमीटर लगा लो अब, 2 किलोमीटर तो था ही। चलो अच्छा हुआ हमने इसको बुला लिया, वैसे 2 किलोमीटर की वॉक कर दी हम लोगों ने सुबह सुबह, और वापस वही वाला घर आ गया, पर जो भी था। हाँ 2.59 किलोमीटर, 2.59 किलोमीटर भैया, ऐसे भी नहीं ठीक ठीक क्या लगाना, उसने एग्जैक्ट बता दिया 2.59 किलोमीटर था ये हमारे होटल से, और मज़ा आया हमें। हाँ हमने कितनी कैलोरी बर्न करी, और अभी उससे ज़्यादा कितना खाएंगे जाके। A few moments later. हाथ में छुपाएंगे और विराज को देखना होगा कि किसके हाथ में, मतलब कौन से वाले हाथ में है। ठीक है चलो विराज पहले अपना मुंह तो करो आज, अब बताओ कहाँ है, बताओ। गलत, ये मैं जीत गई 1-0। उधर देखो, उधर देखो, चलो बताओ। गलत, मैं जीत गई 2-0। उधर देखो, उधर देखो, चीटिंग 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 चीटिंग। आपने पहले यहाँ हैंड रखा फिर आपने यहाँ कर लिया ना, चीटिंग। फिर से खेले, उधर देखो, उधर देखो, अब बताओ। पक्का, पक्का लॉक कर दे, पक्का पक्का, जीत गया।
3-1, 3-1, 3-1. तो देखो आपकी आपका वन है, मेरा थ्री है, आपका जीरो है। अच्छा ओके 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 ओके, चलो बताओ बताओ बताओ, पक्का पक्का लॉक कर दे, पक्का सोच ले, पक्का सोच ले, अभी भी मौका है, पक्का पक्का, पतली गली से निकल रहे हैं। जीत गया, 3-2, 3-2। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो क्या कहते हैं, जीरो है, ओके जीरो है मेरे, चलो ठीक है। अब विराट की बारी, मैं आइस क्लोज करूंगी, अब मेरे मुझे गेस करना होगा, ठीक है। ओ ओ कंबल के अंदर फंबल, ओ भाई साहब मुझे ना कुछ दिख रहा है इसमें, सच्ची मुझे लगा कि इसके अंदर मुझे सच में ऐसा लगा, ओ माय गॉड। चलो 1-0 मेरे, जीरो हो गए, जीरो। अब इसमें है, मैं आवाज आ गई थी, मुझे आवाज आ गई थी, 2। चलो 1-1 ईच हो गया, 1-1। नहीं मेरे 2 है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक, 2 है 2 है। अब देखते क्या होता है, कौन जीतता है, पता है अभी नायरा और मैं भी खेल रहे थे। ये दिख रहा है मुझे ना विराज, यहाँ से दिख रहा है, दोबारा 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 भैया दिख रहा है। इतना भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए छोटे बच्चों के साथ, थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। ओके ओह शिट, सच्ची अब जीजू करेंगे, अब जीजू के साथ चलती जल्दी, जीजू के साथ चलती, तो नहीं जीजू के साथ एक गेम जीजू के साथ खेलनी है। भैया आप क्यों नहीं खेलोगे उसके साथ, छोटा बच्चा वो, नहीं ये नहाता नहीं है विराज, आप नहाते नहीं हो, नहाते हो ना, नहाते हो, किसको देख रहा है, 5 दिन हो गया नहीं नहाया किसको देख रहा है, खोई हुई ना, खोया हुआ, 5 दिन हो गए ना राय तो नहीं नहाया। चल विराज जल्दी कर, जल्दी आ, जल्दी 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 गेस करो किसमें है भैया, देखते हैं पंकज है, क्या क्या क्या, 5 पत्ते तोड़े तेरी बीवी कोड़े, आजो खेलते हैं भैया, खेलते हैं खेलते हैं, चलो जी देखते हैं कौन जीतता है दोनों में से, पक्का हो, हार गया विराज, जीजू जीत गए, ये क्या हो गया, आप देखते हैं, लेट्स सी किसमें, फिर से हार गया विराज, ओह शिट विराज क्या हो गया आपके साथ आज, अब देखते हैं कौन जीता है विराज या जीजू, ओह हो हाय हाय लगातार हैट्रिक तीसरी बारी हारते हो विराज, अब मैं तो एक बात बताऊं, कई मैच जीत ही नहीं पाएगा, हो डाला ही नहीं है, छुपा लिया है, ओह माय गॉड, छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा, गलत बात, गलत बात, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, विराज के ऊपर टेंशन देखो विराज के फेस पे, सोच रहा है कि यहाँ पे हाथ रखूं या वहां, ये तो है चीटर चीटर जीजू चीटर जीजू चीटर, चलो दोबारा आपको गेस करता होगा भैया, ओहो एक और लेट्स सी, अब डाला है विराट, डाला है पक्का डाला है, जल्दी जल्दी गेस करो, टेंशन विराज के फेस पर देखते हुए, ओहो पंकज के फेस से पता चल रहा है कि इन्होंने क्या करा है, डाला कि डाला, एक बार फाइनल कर ले, इधर या इधर, किसमें, पक्का पक्का, इन्होंने और डाला 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 डाला, चीटिंग नहीं करी है, क्या चीटिंग करी, मैं करूंगा ना, लास्ट चल लास्ट 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 पक्का, देखते हैं भैया इस बार तो जीत जाए, ओ चलो चलो जी, अब विराज की बारी आ गई, देखते अब विराज चीटिंग ना कर ले, कहीं पता चले मोटा, देखते हैं कहाँ गया विराज, वहाँ क्या करने गए हो, अब बताओ जी किसमें है, ये वाली में पक्का विराज की जीजू चीटिंग करते हैं ना, हाँ पहली बारी में जीत गया लेकिन तेरे से मोना के साथ खेलेंगे, ठीक है चलो चलो चलो, लेता भी नहीं है, पकड़ ले, पकड़ के दिखा, अच्छा पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा विराज, ओ जंगली बंदर, यह है जंगली, यह है जंगली, हमारा जंगली, पकड़ लो उसको, पकड़ गया चोर, पकड़ गया चोर,
और बस अब हम ब्रेकफास्ट के बाद आ गए थे यहाँ पूल एरिया में, और हमने काफ़ी टाइम यहीं पर स्पेंड किया और यहाँ पे मैंने बहुत ही कम रिकॉर्ड किया क्योंकि फाइनली हम लोग सारे पूल में गए थे और हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी। और मैं आपको करा देती हूँ हमारा रूम टूर, क्योंकि हम दोनों ही सिस्टर का रूम जो है वो चेंज हो गया था, हम दोनों को ही स्वीट रूम मिल गए थे और उसका जो रूम है वो ठीक नेक्स्ट था, वो मेरी नेबर बन गई थी यहाँ पे और दोनों का ही सेम रूम था। और बस ये है छोटा सा हमारा रूम टूर, और रूम बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ था, काफ़ी स्पेशियस था रूम, और इस विंडो से था गार्डन व्यू और जो इसकी दूसरी विंडो है वहाँ से है पूल व्यू, तो व्यू तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस रूम से। और यहाँ चल रही है हमारी पिज्जा पार्टी, तो पिज्जा पार्टी हमारी खत्म हो चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होकर कहाँ पे गौरव और मम्मी पापा वाले रूम में, क्योंकि हमारे जो रूम है ना वो हमें अलग अलग जगह पे मिले हैं, हमारा भी रूम अभी शिफ्ट ही हुआ है और अब देखते हैं आगे का क्या प्लानिंग है कि कहाँ जाना है कैसे करना है। तो इनका रूम कौन सा था, जो रूम भी नहीं याद है इनका रूम कौन सा आएगा, यही है शायद, यही है, मैंने तो पहले बजा दिया दो रूम्स की, एक ये नहीं था, ये वाला था, तो बाय मिस्टेक ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे चली गई थी और मैंने तीन रूम की बेल बजा दी थी, मुझे लिटरली पता था कि कौन सा वाला रूम है। अब मुझे रूम मिल गया है सेकंड फ्लोर पे इनका, और ये रहा इनका रूम, चलो चले इनके रूम में। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हो रहा है तुम्हारा, तैयार हो गए? तैयार। तो अब जा रहे हैं दूसरे रूम में, वो है ये, और आई गेस खुला ही हुआ है, खुला हुआ। हाँ ये तो सोए हुए लगता है। लाइट कहाँ है, लाइट अभी जा, ये लाइट इस बिल्डिंग में पहुंच जा रही है आ रही है, यही हो रहा है। अबे फाइव स्टार तेल लेने का, फाइव स्टार इतनी बारी वो बार बार टीवी ऑन करते हैं, टीवी बंद। मैं इसने बोला तैयार हो, खुद लेटा हुआ है, चल ले। आपने तो सुबह ना लिया था, सही करा, चलो चल। मम्मी ना सुबह ना लिया था आपने तो, मम्मी दो बारी नहाई है क्योंकि मम्मी ना पूल में गई थी। चलो कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ आ गई हमारी बच्चा पार्टी, क्या हुआ क्या लगा है, ध्यान से। दोबारा से पूछते हैं कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है भाई, कहाँ जा, ये लोग अपनी ही डिस्कशन में बिजी हैं, सीरियसली कोई आंसर देने को राजी नहीं है यहाँ पे। कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी कूल लग रही हो, आज कूल लग रही हो। और यहाँ चल रही थी हमारी इंस्टाग्राम रील्स की तैयारी, और उसके लिए हमें काफ़ी सारे टेक पे टेक देने पड़े क्योंकि कोरियोग्राफर है हमारी क्यूट लिटिल नायरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली गोवा एक्सप्लोर करने के लिए, इतनी गर्मी में 5 बज चुके हैं क्योंकि इससे पहले तो भैया निकला ही नहीं जा सकता, तो चलते हैं फटाफट से रिसेप्शन एरिया में जा रहे हैं हम लोग। और अभी कनिका और अचिन ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग थोड़ी देर तक आएंगे, और पंकज वगैरह से भी धूप में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो नहीं आएंगे अभी, वो हमारे साथ चलेंगे शाम में, अभी नहीं। अचिन भी साथ जा रहा है, अचिन इज रेडी एंड ही वाज सेइंग कि हम नहीं जा रहे, पंकज जैसे नहीं है। अचिन आप चल रहे हो, खुद चल रहे हो, आप तो मना कर रहे थे, मैं आपके साथ भी जा रहा ना, हमारे साथ भी आना, कट्टी बाय बाय। ओए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चा पार्टी,
किस बात की देरी है, किसका वेट कर रहे हैं हम? गाड़ी आ रही है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। किस बात की देरी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हारा अपना प्लान है, कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं फोर्ट अगोड़ा। अच्छा, वहाँ फोर्ट लगा दे इतनी गर्मी में? यस। अच्छा है गोवा इस गर्मी? हमारे पास बियर है। ओके 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 ओके, चल और ये के बाबा। गाड़ी जो है आ गई है, तो हम लोगों ने और बस अब देखते हैं हम कैसे एडजस्ट करते हैं। हम लोग इसमें जाएंगे आई गेस पांच जने, तो पांच जने तो एडजस्ट हो ही जाएंगे मुझे लगता है।